सो ये देखो गाइस, हमने पूरा ऐसा साइड से ऐसा पूरा रोल करके इसके अंदर वायर डाला इस लाइट के, ठीक है। तो ओहो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अरे भाई, प्राइमरी स्कूल को ऐसा बना दिया, 5-star होटल बना दिया भाई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोटो व्लॉग का सेटअप, ठीक है। सो ये रहा हमारा हेलमेट, जो कि है भाई बहुत ही भारी, इतना भारी नहीं है, स्पेशल डीसी का है। तो चलो, इस पर अब हम लगाने जा रहे हैं ये एक्शन कैमरा, ठीक है, इंस्टा 360, और ये माइक, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, और बाद में आपको आवाज़ भी सुनाएंगे कि साउंड कैसा आता है। सो चलो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे कैसे लगाएंगे। सो लेट्स गो। ये रहा गाइस, ये हमारा हेलमेट है, और हमने आपको लिखा हुआ कि हम इसमें वायरिंग वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। सो देखो, स्टे ट्यून। तो हमारे पास है ये हेलमेट एक्सोर का, जो कि जोकर एडिशन है। तो आप देख सकते हो कि हमने इस पर ना स्ट्रिप देखो कैसी लगाई है, क्योंकि अगर आप ऐसे लगाते हो ना स्ट्रिप, मतलब दिखा के, ये मेरा पुराना हेलमेट है जिसपे मैं मोटो व्लॉगिंग करता था, ठीक है। तो इस स्ट्रिप से क्या होता है, जो भी मतलब ये जो स्ट्रिप का जो ये बेल्ट होते हैं ना, ये ऊपर वाले, तो इसमें से ना वैसे से बंद नहीं होता है और ये ओपन ही ऐसा रहता है, तो इसमें से और ज़्यादा हवा जाती है और ज़्यादा नॉइज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये जो है वो नहीं लिया है, ओके। तो इसी जगह हमने नया वाला लिया है। सो ये देखो, ये नया वाला है, और इसमें से भाई ये अच्छा भी लगता है, और ऊपर से जो इसके जो दांत है ये भी हाइड नहीं होती है। तो इसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो, ठीक है। और ऐसा ही लगाओ जैसे मैंने लगाया, देखो, ठीक है, ऐसा ही लगाओ। देखो मैंने ऐसे ही लगाया, यहाँ पे वैसे नहीं लगता है, ये थोड़ा सा सरफेस देखो भाई कैसा है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है, इसी वजह से। सो ये देखो, ये वैसे हमारा हेलमेट है, और हम इस पर माइक लगाने जा रहे हैं, ओके। तो चलो इसको माइक लगाते हैं, और मैं दिखाता हूँ आप हमने वायर कहाँ से कहाँ पे ली। तो ये ना गाइस, हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, पूरी साइड से, जो आप ब्लैक ही देख रही हो ना, यहाँ से हम लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीका कि हम कैसे लगाने वाले हैं उसको, ठीक है। तो ये माइक है, ये देखो ये माइक, ठीक है। तो माइक ना हम इस साइड लगाएंगे, इस राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह होता है, तो आवाज़ सही से आ जाए। तो इसको हम यहाँ पे इस पेड़ के नीचे डालेंगे, ठीक है। तो पहले हम वायरिंग कर देते हैं, ये बहुत बड़ी लंबी वायर है। सो चलो पहले वायरिंग कर देते हैं हम। सो पहले हम माइक को लगाएंगे यहाँ पे इसके अंदर। तो मैं ऐसे लेता हूँ वायर इसके अंदर से। तो आपको ऐसी पैडिंग थोड़ी निकालनी पड़ेगी राइट साइड की, आपको माइक अंदर डालने के लिए। तो अभी मैंने खोला है, और मैं यहाँ पे लेके आऊँ इसके अंदर। अरे, सो पहले हम इस माइक जो है ना, ये माइक का जो स्पंज होता है, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला, तो ये गिरे नहीं, इसी वजह से इसको हम बाहर से या फिर किसी ने साइड से ऐसे टेप लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये गिरे नहीं। सो ये देखो, हमने इसको पूरे से साइड से ऐसे टेप लगाई है माइक को। तो हम इसको इस पैर के ऐसे नीचे डालेंगे, अरे दोनों से नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे जो पैड होता है ना, आपको समझ में आएगा अगर आपके पास ये एक्सोर वाला हेलमेट है, तो ये पैड निकाल के ना आप उसके अंदर डाल सकते हो, जो मैंने वैसे ही किया है, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ बैक कैमरा से, पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं वायरिंग कैसे करता हूँ, और बाद में वायरिंग मैं यहाँ से कर दूँगा। देखो यहाँ से जो गैप है ना, ये ब्लैक का, ये ब्लैक से हम ऐसे ऐसे पूरा राउंड करते आएंगे।
सो ये देखो गाइस, हमने पूरा ऐसा साइड से ऐसा पूरा रोल करके इसके अंदर वायर डाला है इस ब्लैक के, ठीक है। तो जो ब्लैक है ना गाइस, पूरे साइड की वहाँ से हमने वायर पूरी डाली है, ठीक है। और यहाँ से हमने वायर को जो है वो निकाला है। तो पहले हम कैमरा लगाएंगे और देखेंगे कि कितना एडजस्ट हमको करना पड़ेगा। सो चलो कैमरा लगाते हैं। सो ये देखो गाइस, ये हमने कैमरा वगैरह लगाया है, ये देखो आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा कैमरा जो है वो लग चुका है। और अभी वायरिंग इतनी हमको इतनी वायरिंग देखो एक्स्ट्रा सॉरी इतनी वायरिंग एक्स्ट्रा है, तो हम इस वायरिंग को यहाँ पे कहाँ पे घुसा देंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैं घुसा देता हूँ, रुको आपको भी आइडिया आ जाए, नहीं तो इसी माउंट पर ऐसे ऐसे लटका सकते हो आप, ठीक है। देखो देखो दोस्तों, पूरा हमने वायरिंग किया है, ये देखो जो वायर बची थी वहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया और यहाँ पे डाल दी इसके अंदर। सो ये देखो, ये वैसे हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ पूरा कि मैंने माइक कहाँ पे डाला है, ठीक है। सो चलो दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे मैंने माइक डाला है, ओके ठीक है। ये आपको सही से दिखाई देगा, ये पैडिंग है और इसकी पैडिंग के नीचे देखो, ये देखो वायर देख रही है आपको, इसके अंदर से ऐसे 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 डाल के मैंने ना पूरी यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। और यहाँ पे हमने माइक लगाया है इस साइड में, ये आप देख सकते हो। अभी रुको, जो ये पैडिंग होती है ना बेल्ट वाले, तो यहाँ के अंदर देखो मैंने यहाँ पे ऐसे माइक लगा के रखा है, ये देखो, जो कि आप माइक देख सकते हो। सो और बाद में हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं इसको, तो ऐसे करके मैंने इसकी पैडिंग लगाई है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के व्लॉग देखते हैं कैसा आता है, साउंड भी आप देख सकते हो कि कैसा आएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। तो चलो एक राइड पर चलते हैं छोटी सी, लेट्स गो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। होप करता हूँ कि आपको साउंड आ रहा है सही से, है ना? आ रहा है ना गाइस आपको सभी से साउंड? ओहो भाई भाई, तो अब दिक्कत ये है कि जो कैमरा है बहुत नीचे है, वो एक्चुअली मुझे मालूम है कैमरा बहुत नीचे है, क्योंकि मुझे ये ग्राफिक्स जो है ना, ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये दांत वाले, तो ये मुझे छुपाने नहीं थे, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, इसका थोड़ा एक्सटेंशन वगैरह लेना पड़ेगा। सो चलो थोड़े से एक राउंड लेके आते हैं हम। और भाई बताओ यार कि साउंड जो है वो कैसी आ रहे हो? ओके भाई, का हमारी हो चुकी है वार्म अप, बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ मैं, सॉरी, क्योंकि जो इसके लेवल होंगे वो आपको रोड के ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैमरा बहुत नीचे है। तो यार बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा है यार ये हेलमेट मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और भाई इसका साउंड खाली ठीक से आना चाहिए, ज़्यादा नॉइस नहीं आनी चाहिए, वही आशा करेंगे। अगर इसकी ज़्यादा नॉइज़ आ गई है तो बना भाई, बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे यार हमको। तो चलो एंजॉय करो राइड को, अब मुझे मालूम नहीं है कि क्या कुछ कैसा साउंड कर रहा होगा, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। और इसका डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी मालूम नहीं है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे नीचे का बाइक का है ना वो ज़्यादा आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि नीचे मुझे कैमरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जो लोग भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं देखो भाई, गायों को देखो, तो हम ऐसा पूरा सर्कल लेके आए थे। सही चल रही है बाइक, एकदम सही चल रही है, इश्यू नहीं है, शिफ्टिंग बहुत सही हो रही है, सही भाग रही है भाई। तो गाइस बताओ यार कि
ये आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल वगैरह लगी है तो जरूर से बताओ, ठीक है। आपके पास भी होगा कुछ एक्स्ट्रा वाला हेलमेट है ना, होप करता हूँ कि जो साउंड है वो आपको सही से आ जाए। और कुछ नहीं भाई, वैसे हेलमेट तो काफ़ी सेक्सी दिख रहा है भाई ये। देख रहे हो ये तू, ओ गाइस जो लोग भी यार नहीं हो ना भाई चैनल पे जोर से लाइक करो यार प्लीज, सब्सक्राइब भी करो। भगाने के लिए मैं यहाँ पे आया था इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि जो नॉइज़ है वो आपको कैसे हैंडल करता है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सी फ़ोटो लेता हूँ भाई मैं अपने बाइक की, है ना, फ़ोटो लेना तो बनता है भाई, इतना दूर है वो बाइक लेके आपके लिए खास तो फ़ोटो तो मंगती है। यहाँ पर भाई एक फ़ोटो लेता हूँ भाई मैं, यो लोग खेल रहे हैं भाई, वो मेरा भी मन कर रहा है खेलने का पर क्या करें, अब हमारी उम्र नहीं है। अच्छा उम्र तो बस सबकी होती है खेलने के लिए, पर अब हमारे भाई के पास यार वो दोस्त लोग नहीं है खेलने के लिए जो पहले होते थे, अब सबके सब यार बिजी है अब अपने लाइफ में। तो आज सीएच जी भी नहीं है, अरे यार मैंने ही पूछा नहीं भाई उसको, वरना वो होता तो आ जाता। ये काफी डरावना टर्न है भाई, देखा सामने से भाई जो आता है ना वो दिखता ही नहीं है, तो काफी डरावना है भाई। अरे अरे सही टाइम पे देखा भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अरे भाई ये देखो भाई क्या किया है यहाँ पे, ओहो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अरे भाई प्राइमरी स्कूल को ऐसा बना दिया, फाइव स्टार होटल बना दिया भाई। फाइव स्टार होटल बना डाला भाई, चलो गाइस हम लॉक को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच को खींच के आ जा भाई, पापा की परी आ रही है आने दो। सो या बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। अरे 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 अरे
गाइस टेक केयर एंड सायोनारा टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।